नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। वैसे तो इन दिनों भारती सिंह अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी दौर को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हैं। वहीं बात करें तो देखा जा रहा है कि हुनरबाज के सेट पर हस्बैंड वाइफ, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों ही होस्ट कर रहे हैं। हर्ष लांबाचिया के साथ भारती सिंह बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं अपने बेबी को लेकर कि जल्दी आए और उसके बाद धूमधड़ाम की जाए। लेकिन वहीं बात करें कि करण जौहर ने भारती सिंह को धमकी दे डाली शो के ऊपर, उन्होंने कोर्ट में घसीटने का भी बात कह दिया है। वहीं अगर हम बात करें, जब से इस मामले में बयान आया है तब से लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। दरअसल होता यह है कि भारती परिणीति और करण जौहर से नाम के सजेशंस को लेकर पूछते हैं कि अगर लड़का हुआ तो क्या नाम रखेंगे और लड़की हुई तो क्या नाम रखेंगे। इसी बीच हम बात कर रहे हैं करण जौहर की, तो करण जौहर ने एक ऐसा नाम सजेस्ट किया जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर तुमने ये नाम नहीं रखा तो मैं तुम्हें कोर्ट तक ले जाऊंगा। दरअसल होता ये है कि ये तीनों लोग पंजाबी में बात करते हैं। उसी दौरान भारती पूछती हैं कि अगर लड़का हुआ तो उसका नाम क्या होगा और लड़की हुई तो उसका नाम, तो लड़के का नाम जो सजेशन में आता है वो ये है, लड़के का नाम हुनर रखा जाएगा और लड़की का नाम बास। लेकिन तभी एक नाम और सजेस्ट करते हैं, वो ऑप्शन के तौर पे सजेशन में था और उस नाम को भारती सिंह के लिए साफ तौर पर इस्तेमाल किया गया था कि अगर यही नाम अगर रखा जाए तो ठीक हो। दरअसल वो नाम जो ऑप्शन में था वो है प्रवीण। उसके साथ ही करण जौहर कहते हैं कि रणवीर, और रणवीर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे नाम हैं, रणवीर और कबीर, ये दोनों नाम बॉलीवुड में मौजूद है लेकिन एक जो नाम है प्रवीण ये नाम नहीं मौजूद, और इस नाम अगर तुमको लड़का होता है और ये नाम तुम नहीं रखती हो तो मैं तुम्हें कोर्ट में लेकर जाऊंगा। जिसके बाद से ये बयान काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि रणवीर रखा जाता है, हुनरबाज रखा जाता है, अब जो भी नाम हो वो सामने आने के बाद ही होगा। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, आपके मन में भी अगर भारती सिंह के लड़के या लड़की को लेकर कोई नाम ऐसा सजेशन में आ रहा हो तो वो जरूर लिखें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।